How are you all? I hope you all are hale and hearty. You all are fit and fine. I welcome you all to the Omang batch of Class 8. My name is Tanesh Sharma. I teach you geography, economics, and political science in simplistic form. So here we are starting with a beautiful chapter of, and it is the most awaiting chapter, which our have were waiting for a long time. And the name of the chapter is Understanding Marginalisation. तो अब ये समझेंगे क्या होता है? सबसे पहले हमें करना नहीं, हमें हम मार्जिनलाइजेशन और रोजमर्रा की जिंदगी में नोटबुक्स देखते हैं हर एक सब्जेक्ट की तो हर एक सब्जेक्ट की जब हम नोटबुक देखते हैं ऊपर वाले कॉलम में हम लिखते हैं डेट और साइड वाला कॉलम ठीक है बहुत छोटा होता है और ऐसे वाला जो लाइन होती है उसको बोलते हैं मार्जिन ठीक है और मार्जिन पे आप खुद सोचो हम प्रॉपर अपने क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिख सकते हम सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखते हैं ठीक है ए बी सी डी लिखते हैं सो दैट शोज कि मार्जिन का मतलब क्या होता है मार्जिन मीनस जो छोटा सा कॉलम होता है ठीक है तो जहां पे हम मेन अपना आंसर नहीं लिख सकते सेम भी आपका आंसर शीट पे होता है राइट हम सिर्फ नंबरिंग कर सकते हैं छोटा सा कॉलम होता है ऊपर डेट लिख सकते हो सिर्फ टॉपिक लिख सकते हैं जो मेजर कंटेंट होता है वो तो हम मार्जिन में लिख ही नहीं सकते क्योंकि जगह ही नहीं होती राइट right? तो यही कॉन्सेप्ट को अगर हम पॉलिटिकल साइंस में डाल दें यही कॉन्सेप्ट सिविक्स में डाल दें ये समझने के लिए कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है तो ऐसे ही देश की बहुत सारे लोग कम्युनिटीज में डिवाइड हो जाते हैं और ये बहुत सारी कम्युनिटीज बहुत सारी कम्युनिटीज एक ग्रुप बना लेती है जिसको बोलते हैं मजोरिटी कम्युनिटी और जो साइड हो जाते हैं या कुछ को हम मार्जिन में डाल देते हैं उनको बोला जाता है माइनॉरिटी अब ये माइनॉरिटी कुछ कुछ कास्ट ग्रुप्स को भी बोल सकते हैं कुछ कुछ रिलीजन को भी बोल सकते हैं जो जो बहुत कम 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 पाए जाते हैं जैसे कि मार्जिन पे हम सिर्फ नंबरिंग करते हैं सिर्फ डेट लिख पाते हैं है ना और सिर्फ टॉपिक लिख पाते हैं ऐसी कुछ सोसाइटीज़ होती तो बिल्कुल साइड लाइन कर देते हैं और मेजर टॉपिक जो मेजॉरिटी कंटेंट होता है वो हम बीच में लिखते हैं सिमिलरली पूरे देश में भी ऐसी कुछ कम्युनिटीज हैं पूरे सोसाइटीज में ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जिनको बिल्कुल इग्नोर और मार्जिंस पे डाल दिया है ठीक है मार्जिन मतलब बिल्कुल कॉर्नर पे आज इस चैप्टर के अंदर हम यही समझने वाले हैं इसी को ही बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन ये समझेंगे कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको मेन स्ट्रीम में जिनको मेजॉरिटी में ना रख के मार्जिंस में डाल दिया है ठीक है लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर विद वेरी मच अवेटिंग चैप्टर विद वेरी ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग प्रेसाइडेड हियर ओके तो बच्चों अब हम जानेंगे कि माजनाइजेशन का मतलब क्या होता है एंड वी विल सेट आवर क्लास गोल्स तो हमारा क्लास का गोल क्या रहेगा सबसे पहले हमें ये देखना है वट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन वैसे तो हमें मार्जिनलाइजेशन का मतलब एनिमेशन से कुछ हत, कुछ हद तक समझ आ गया होगा बट इन रियलिटी मार्जिनलाइजेशन कैसे होती है किन कम्युनिटीज के साथ होती है हमें वो देखना है ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी पर्टिकुलर कम्युनिटी या ऐसा पर्टिकुलर कौन सा ग्रुप है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे तो ये जो दो ग्रुप्स है दे आर डिवाइडेड इनटू टू तो फर्स्ट मेजर ग्रुप जो हम पढ़ना पढ़ेंगे दैट इज़ फर्स्ट मेजर ग्रुप इज़ आदिवासी ठीक है एंड ऑफकोर्स दीज आर ट्राइबल ग्रुप एंड द नेक्स्ट वन इज़ एंड नेक्स्ट वन इज मुस्लिम कम्युनिटी आपको लगेगा मैम ये तो दोनों पोल्स अपार्ट है डेफिनेटली तो ये कम्युनिटी के हम बारे में पढ़ रहे हैं इसमें देयर इज मोर ऑफ रिलीजन राइट एंड हियर हम सोशली देखिए यहाँ पे हम रिलीजन का एस्पेक्ट पढ़ेंगे कि रिलीजन के हिसाब से क्या डिविजन रहता है एंड हियर मोर वी आर स्टडिंग अबाउट दी सोसाइटी कि सोसाइटी ने कैसे डिफरेंस क्रिएट करके मार्जिनलाइज कर दिया है ठीक है मार्जिनलाइज हमें पता है हमने बुक रोज कॉपीज रोज देखते हैं मार्जिन देखते हैं तो ऑफकोर्स जो मेजर कंटेंट है वो तो हम यहाँ लिखते हैं यहाँ नहीं लिखते राइट सो सेम आपको दिखाने के लिए एवरी डे वी कम अक्रॉस नोट बुक्स वी कम अक्रॉस कॉपीज और हर सब्जेक्ट की कॉपीज में मार्जिन बने होते हैं तो अगर आप देखो मेजर कंटेंट हम कभी भी यहाँ नहीं लिखेंगे वट एवर वी राइट हीयर

हम उसको बोलते हैं मेजोरिटी जिस ग्रुप में कम लोग होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं माइनॉरिटी राइट सो हियर इट इज अगर हम अमंग हमारी सोसाइटी एंड इज सोसाइटी क्रिएटेड ये सब सोसाइटल सोसाइटी ने क्रिएट किया है ठीक है एंड हियर हम मोर ऑफ कोर्स पॉलिटिकल साइंस तो लेकर आएंगे आएंगे बट वी विल स्टडी मोर ऑफ सोसाइटी राइट एंड ग्रो अप क्लास एट नाइन्थ में जाओगे तो सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट सोसाइटी राइट तो यहाँ पे मोर इन दिस पोलिटिकल साइंस अबाउट द पोलिटिकल साइंस ऑल्सो बट मेजरली वी आर अंडरस्टैंडिंग आर सोसाइटी ठीक है हम कई बार कहते ना मम्मी पापा की बात सुनिए कि लोग क्या कहेंगे तो वो लोग जो होते हैं वो सोसाइटी होती है ठीक है यही मेजर है ना वे टॉक अबाउट सोसाइटी तो सोसाइटी ने कैसे डिवाइड कर दिया है सोसाइटी ने एक डिवाइड कर दी जो न्यूमेरिकली मेजोरिटी के अंदर है ठीक है न्यूमेरिकली मीन्स मोर पीपल मोर पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप यहाँ पे ग्रुप की बात हो सकती है कोई कम्युनिटी की बात हो सकती है ठीक है, एनी ग्रुप और एनी कम्यूनिटी और दूसरा आता है minority. और minority का मतलब होता है जो less, numerically less है, जो जैसे कि numerically less content of words यहां लिखते हैं, ऐसे ही सोसाइटी डिवाइड कर देती है डिपेंडिंग ऑन द लेस पीपल ऑफ ग्रुप ठीक है तो लेस पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और अ पर्टिकुलर ग्रुप ठीक है तो ये तो हमें सिंपल भाषा में समझ आ गया व्हाट इज माइनॉरिटी एंड व्हाट इज़ मजॉरिटी ठीक है और ये कॉन्सेप्ट आपका आगे जाके बहुत काम आने वाला है बिकॉज क्लास नाइन्थ में भी हम मेजोरिटी माइनॉरिटी ऐसी ही यूज कर लेते हैं ठीक है अलग अलग चीज़ों को लेके एंड इन क्लास टेंथ आल्सो एंड दिस इज ऑफ कोर्स फॉर लाइफ ये हमें कोई ऐसा नहीं है कि पेपर के लिए पढ़ना है दिस इज़ फॉर लाइफ कॉन्सेप्ट हमारे कभी ना कभी काम आते ही हैं राइट right? तो हमारी सोसाइटी मेजोरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है बट जब हम इस बार का चैप्टर पढ़ रहे जब हम अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन कर रहे हैं तो मार्जिनलाइजेशन में ऐसी कौन सी कम्युनिटीज है जो मेन स्ट्रीम में है ऐसी कौन सी कम्युनिटीज है जो माइनॉरिटी में है तो माइनॉरिटी में हम, हम दो ग्रुप्स करने वाले हैं सबसे पहले इसको करने से पहले हम इससे भी और सिंप्लीफिकेशन भाषा सिंप्लीफाइड भाषा में सिंपल भाषा में और पढ़ने जा रहे जब हम बात करते हैं डिफरेंस की ठीक है हम बात कर रहे हैं देखो कितना कम लिखा मैंने यहाँ पे है ना ठीक है यहाँ पे हमने लिखा अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम डिफरेंस जब हम डिफरेंस की बात करते हैं जब हम डिफरेंट की बात करते हैं सो ऑफकोर्स डिफरेंट क्या है ऑल द कलर्स इन दिस स्लाइड आर डिफरेंट है ना एक दूसरे से अलग होना एंड दिस डिफरेंस

ठीक है हम पॉजिटिव कैसे लेके जा सकते हैं वी ऑल नो दैट वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ आर कलर इन टर्म्स ऑफ आर हाइट इन टर्म्स ऑफ आर हेयर इन टर्म्स ऑफ आर स्पीकिंग स्टाइल इन टर्म्स ऑफ आर बिहेवियर ठीक है

It, it can be religion, it can be culture, it can be economical, any any aspect of life. When I mean, we are not accepting that, ham particular group, in their yeah, dressing style pe height, anything, we accept kar rahe. That difference turns into negativity. Okay. So here when we are talking about difference, difference is never negative. Hum, amisha, हमारी बुक में लगता है बुक में लिखा हुआ है क्लास सिक्स सेवेंथ में पढ़ते आ रहे हैं जो डिफरेंट होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है इट्स नेवर लाइक दैट दिस इज अ मॉरल साइंस फॉर यू ऑल्सो की डिफरेंस में भी हम पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं हाउ वेन वी आर एक्सेप्टिंग द रियलिटी वेन वी एक्सेप्ट ओके जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं हम एक्सेप्ट कर लेते हैं द पर्सन किस किस को एक्सेप्ट कर रहे हैं वी आर एक्सेप्टिंग द पर्सन ग्रुप ओके

उस चीज को प्रेफर ही नहीं करना चाह रहे हम उस जोन में उस पर्टिकुलर इंसान की व्यू पॉइंट लेना ही नहीं चाह रहे किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ रहना ही नहीं चाह रहे हैं राइट सो दैट विल टर्न इन जोन ऑफकोर्स वी वी आर टॉकिंग रियालिटी बट हियर हम रियालिटी से बिल्कुल दूर भाग रहे हैं वी आर लिविंग इन ठीक है हम यहाँ पर रियालिटी में भी रह रहे हैं बट देन ऑल्सो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग राइट सो दीज आर द कॉन्सेप्ट जो हम इंटरचेंजब्ली इस पूरा चैप्टर में यूज करेंगे डिफरेंस ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ बट कंक्लूजन निष्कर्ष अंडरस्टैंडिंग लेवल पे यू नीड टू अंडरस्टैंड और आप दिस इज फॉर योर लाइफ ओके दिस कैन बी पॉलिटिकल साइंस थोड़ा मॉरल साइंस भी है दैट डिफरेंस इज डिफरेंस कोई भी इंसान या कोई भी कम्युनिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ठीक है वी कैन नॉट से कोई कॉपी है बट इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ पॉजिटिव आउटकम वी नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी राइट एंडोशियट नेर्न इन चैप्टर वी विल लर्न इन क्लास टेंथ ठीक है अभी के लिए इतना ही सो हियर इज द अंडरस्टैंडिंग पार्ट और यहाँ पे सिमिलरली जैसे हमारे प्रोफेशन हमारे सोचने का तरीका सारी चीजें डिफरेंट हो सकती हैं आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं जो टीचर्स होती है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती या जो शेफ होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं और जो पुलिस में होते हैं ज्यादा अच्छे है, नहीं होते एवरी एवरी पर्सन कैन थिंक ऑफ डिफरेंट परसपेक्टिव डिफरेंट ओपिनियन जब हम डिफरेंट की बात करते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है बट वही जैसे मैंने आपको समझाया इट कैन ब्रिंग आउट बोथ द आउटकम्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ठीक है और पॉजिटिव कब आता है व्हेन दे इज एक्सेप्टेंस नेगेटिव का बात है इज़ नो एक्सेप्टेंस क्लियर सिमिलरली क्या क्या चीजें डिफरेंट हो सकती हैं आप मुझे लिखोगे कॉमेंट सेक्शन पे क्या क्या चीजें डिफरेंस अभी ये इतना डिफरेंस पे हम बात कर रहे हैं बिकॉज इंटायर चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस टेल मी आप लिखोगे कॉमेंट सेक्शन पे कि क्या क्या चीज है और डिफरेंट हो सकते प्रोफेशन डिफरेंट हो सकते हैं रेशियल यू नो हमारे फीचर्स डिफरेंट हो सकते हैं बाल डिफरेंट हो सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रोफेशन की बात की हमारे लाइक्स एंड डिसक्स प्रोफेशन ठीक है ऑक्यूपेशन ठीक है ऑक्यूपेशन डिफरेंट हो सकती है ठीक किसी को स्पोर्ट्स पसंद है ओके okay? किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है किसी को रीडिंग पसंद है राइट right? किसी को नॉवल लिखनी है बड़े होके किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है किसी को सिर्फ बातें करना पसंद है राइट सो इन स्कूल ऑल्सो सो दिस एग्जाम्पल शोज स्कूल के अंदर भी इफ दे आर डिफरेंट स्टूडेंट्स एवरी वन विल बी हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस यस किसी के ज़्यादा होते हैं तो वो क्लब हो जाते हैं वो मजारिटी बन जाते हैं किसी कम है तो माइनॉरिटी बन जाएंगे ठीक है मेजॉरिटी माइनॉरिटी अब हमें समझ आ गया हमें सिंपल डेफिनेशन में समझ आ गया तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है राइट right? दूसरी बात आती है दूसरी बात आती है जब वेन वी टॉक अबाउट डिफरेंसेज ठीक है वो नेगेटिव फॉर्म में इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट मोर ऑफ नेगेटिविटी ठीक है नेगेटिव का फॉर्म ले चुका है जब एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने ठीक है मेन स्ट्रीम में इकट्ठा नहीं लेकर आया साइडलाइन कर दिया फ्रिंजिस में डाल दिया ठीक है दैट इज अ पार्ट वी आर स्टार्टिंग इन दिस चैप्टर की अलग कर दिया फ्रिंजिस में डाल दिया यू नो वट दिस चैप्टर इज अबेट दैट बिकॉज दिस इज रियालिटी विच

साइड लाइन कर देता है मेन स्ट्रीम से अलग कर देता है ठीक है डिफरेंट फ्रॉम कहाँ से मेन स्ट्रीम से हमें मेन स्ट्रीम का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मेन स्ट्रीम में क्या चल रहा है बिल्कुल डिफरेंट कर देता है फ्रिंजिस में डाल देता है फ्रिंजस इज दी बाउंड्री ठीक है बाउंड्री में रख देता है हमें ठीक है उसके अलावा बाउंड्री में डाल देता है फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी व्हेन पीपल और ग्रुप डू नॉट एक्सेप्ट सो बेसिकली नॉन एक्सेप्टेंस आ जाता है ठीक है नॉन एक्सेप्टेंस जब आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा वो डिफरेंस आपके लिए नेगेटिव हो जाता है ठीक है मुझे अगर कहीं जगह एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा फॉर द वे आई एम सो ऑफ कोर्स आई विल विल फील फील आई आइसोलेटेड आइसोलेशन ठीक है यहाँ पे आइसोलेशन इज अनदर वो कैबलरी वी कैन यूज है ना आइसोलेट हो जाता है आइसोलेट मतलब अलग हो जाता है इग्नोर्ड फील करता है ठीक है इग्नोर्ड फील करता है इंसान इंसान पर्टिकुलर ग्रुप और वी कैन से पर्टिकुलर कम्युनिटी इट कैन बी रिलीजियस और नॉन रिलीजियस ठीक है अब बात आती है जब भी ऐसा कुछ फील होता है ओके okay? जब भी ऐसा कुछ फील होता है कि और ये कहीं ना कहीं हमें ये कहीं ना कहीं हमें कहाँ पे भी फील हो सकता है दिस वी कैन फील दिस एग्जैक्टली वी कैन फील समटाइम्स इन आर स्कूल एज वेल कि बहुत सारे बच्चे एंड लेटली देर इज अ स्टूडेंट ऑफ माइंड ठीक है किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा मैम अगर कोई बुली करे ठीक है तो क्या करना चाहिए totally आप, कर so आप कम हो आप कमजोर पड़ जाते हो राइट सो यू फील लेस पावरफुल आप पावरफुल नहीं फील करोगे यू विल फील लेस पावरफुल राइट और अगर आपको कोई डोमिनेट कर रहा है कोई हुक्म चला रहा है तो आपकी नहीं चलती स्पेशली इन अ नेगेटिव वे में आपको लेके जा रहे हैं सो दैट केस यू विल फील लेस पावरफुल आपके पास आप वीक फील करोगे आपके पास बिल्कुल भी पावर नहीं रहेगी यू विल बी फीलिंग वीक ठीक है तो यहाँ पे ये ऐसा ही शो होता है जब ज्यादा लोग होते हैं दैट इज नोन एज मजॉरिटी ठीक है दैट इज नोन एज मेजॉरिटी एंड जब कम लोग होते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे दैट इज नोन एज माइनॉरिटी नॉरिटी दैट इज नोन एज माइनॉरिटी ठीक है सो यू फील लेस पावरफुल यू फील वीक आप कई बार हेल्पलेस फील करते हो राइट सो दीज आर द थिंग्स यू फील वेन आप मेन स्ट्रीम से आपको अलग कर दिया जाता है एंड यू नॉट फील वन ऑफ देम ठीक है यू आर नॉट फीलिंग वन ऑफ देम बिकॉज आप अलग हो ठीक है और आपको ये सोसाइटी ही अलग कर देती है यू डू नॉट फील वन ऑफ देम क्लियर सो ये कुछ एक तरह से आपका चैप्टर शुरू होने से पहले एक थीम सेट किया है। ताकि उस वाइब्रेशन में जाओ आप सोच सको कि उन लोगों के साथ कैसा हुआ था कि अगर कभी आ, कभी कभी कबार हमारे साथ भी होता है हमें कैसा फीलिंग आता है जब हमें पूरा पूरा का आइसोलेट कर देते हैं या फिर हमें पूरा का पूरा बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं राइट सो सो ऐसा ग्रुप को किया हुआ है इन दिस चैप्टर और ये हम पंडे जाएंगे ऑफकोर्स यहाँ पे वी हैव डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स ठीक है जब हम ये पिक्चर्स देखते हैं हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट लगता है है ना हमें लगेगा यार दिस इज हम ही बोलते हैं ये चीज़ की ये हमारे जैसे नहीं लग रहे है ना एंड दे हैव डिफरेंट थिंग्स योर हमें अलग अलग पिक्चर्स में लगता है कि ये डांस अलग सा करते हैं द क्लोज दे वेयर इज नॉट आस ठीक है एंड दीज थिंग्स वी डू नॉट कीप एट होम एंड देन वी द ड्रेसिंग सेंस एंड द हेड गेयर ऊपर से द मेकअप है ना ये मेरे जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो क्या हम थोड़ा बहुत दि, दि, दिख रहे हैं ऐसे नो no. तो हम सबसे पहले हम या फिर हम कह सकते सोसाइटी सोसाइटी बहुत ज्यादा स्टीरियोटिपिकल नोशंस क्रिएट कर लेती है स्टीरियोटिपिकल मतलब बहुत ज्यादा यू नो एक अलग से कि ये ऐसा ही है जो उसको हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे हाँ तो सोसाइटी क्रिएट कर लेती है बहुत कि ये अलग है ये हमारे जैसे नहीं है दीज पीपल आर डिफरेंट और ये लोग हमारे जैसे नहीं होते इनका खाना अलग होता है इनका पहनना अलग होता है सो दिस हियर वी आर नॉट एक्सेप्टिंग देम राइट जब हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते डेफिनेटली ये लोग डिफरेंट हो जाते हैं एंड दीज पीपल आर नोन एज ट्राइबल्स ठीक है दिस इज़ अ कम्युनिटी जिसको हम ट्राइबल कम्युनिटी बोलते हैं ऑफ कोर्स वी कैन ऑफ कोर्स हम इसको एक ग्रुप भी बोल सकते हैं ठीक है हम इसको ग्रुप में बोल सकते हैं बट यहाँ पे क्या करती है सोसाइटी डिवाइड कर देती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ द दे व्हाट दे वेयर ठीक है ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं राइट right? सो so, जब ये ट्राइबल पीपल की हम बात करते हैं जब ये ट्राइबल पीपल की हम बात करते हैं हम इसको दूसरे नाम से जानते इज आदिवासी ठीक है तो ट्राइबल्स का ही दूसरा नाम क्या है आदिवासी आदिवासी राइट क्या बोलते हैं आदिवासी तो यहाँ पे इनको सोसाइटी ने ही अलग किया है क्यों किया अलग बिकॉज दे वेयर डिफरेंट क्लोथ ओके दे डू नॉट अ प्रॉपर लैंग्वेज व्हाट वी स्पीक दे डू नॉट ईट प्रॉपर फूड दे डू नॉट वेयर प्रॉपर क्लोथ्स ये लोग सोसाइटी बोलती सोसाइटी बोलती है और जब हम बोलते हैं ना लोग ये लोग हैं वो सोसाइटी वाले बिकॉज दे डू नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक अस तो हमने क्या कर दिया इनको हमने साइड कर दिया हमने क्या कर दिया इनको इग्नोर कर दिया हमने क्या कर दिया इनको बिल्कुल फ्रिंजिस में डाल दिया हमने क्या कर दिया इनको मार्जिनलाइज कर दिया हमने इनको मार्जिन में डाल दिया इनका दूसरा नाम ही बोलते हैं ठीक है? तो the term literally means, क्या मतलब होता है आदिवासी का आदिवासी का या का? दोनों हाँ, आदिवासी हम हिंदी में बोल देते हैं तो बेसिकली आदिवासी का मतलब होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ठीक है इनको हम बाद में यू नो देवर्स देवर्स लेटर इन ट्वेंटी सेंचुरी यहाँ पे इन आदिवासी को एंड अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में कौन थे ये हंटर गैदरर्स थे हमने क्लास सिक्स में पढ़ा है ना लाइक अर्ली मैं सो वो वहाँ से प्रिमिटिव कम्युनिटी से छन छन के जब हम ये बन जाते हैं हंटर्स एंड गैदरर्स ठीक है जब हम बन जाते हैं हंटर्स एंड गैदरर्स उसके बाद हंटर्स एंड गैदरर्स सो दीज आर द कम्युनिटीज जो जिनका ओरिजिन यहीं से होता है फ्रॉम द फ्राम दलिमेंट एंड देन हंटर एंड गैदरर्स राइट सो यहाँ पे इनको इसलिए बोलता है बिकॉज़ दे आर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स बाद में जाके कन्वर्ट होते हैं कन्वर्ट हुए भी इनटू क्रिश्चियनिटी एंड दिस वाज अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन कि एक प्रॉपर ट्राइबल कम्युनिटी क्रिश्चियनिटी में चेंज होगी दैट इज अ रिलीजन राइट बट अगर हम देखें तो ये ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जो रहना चाहती हैं और रहती हैं कहां पे कहां पे इनका रहने का मन करता है या कहां पे रहती हैं एंड मोर क्लोजली टू फॉरेस्ट जंगल पेड़ ठीक है they ये बिल्कुल नेचर के पास रहना चाहती है दैट टू फॉरेस्ट फॉरेस्ट में ही रहना पसंद करते हैं ठीक है कौन है आदिवासी ट्राइबल पीपल और हम ना बहुत एक क्योंकि हमारी पेरेंटिंग ऐसी है है ना हम बहुत इनको देकर डर जाएंगे एकदम से क्यों डरेंगे बिकॉज जो हमारे होते होते हैं, हैं। है ना? बिल्कुल उसके अलावा ईट वैसा नहीं होता जो हम खाते हैं बिकॉज इन फॉरेस्टर इनहेबिटेंट ऑफ फॉरेस्ट इनका घर ही वही है राइट सो द्लोथ दे देट द लैंग्वेज दे स्पीक इज रॉ ठीक है हम कई बार बोलते हैं ना रॉ एकदम रॉ है दैट इज द सीन दैट इज द रीजन ठीक है दैट इज द रीजन द वेरी डिफरेंट फ्रॉम आस लेकिन मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था डिफरेंट को हम हमेशा दो तरीकों से देख सकते हैं दिस माइड नॉट बी गिवन इन योर एनसीआर बट दिस इज द रियलिटी दीज टू कम्युनिटीज वी आर स्टार्टिंग हमने इनको एक्सेप्ट ही नहीं किया हमने इनको एक्सेप्ट बहुत लेटर जाके किया अभी भी लोग नहीं करेंगे इनको एक्सेप्ट बिकॉज दे आर वेरी डिफरेंट ठीक है बहुत ज्यादा डिफरेंट है बट डिफरेंस भी कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव सो हियर इट इज शोइंग दैट दिस डिफरेंस इज़ नेगेटिव बिकॉज़ एक्सेप्टेंस ही नहीं है इनकी राइट देन वाई हम इनको बोलते हैं क्लोज रिलेटेड टू फॉरेस्ट हैं बहुत ज्यादा इनका बहुत ज्यादा इनका जो कहते हैं कनेक्टेडनेस दे फील वेरी क्लोज टू नेचर ठीक है फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं दे फील वेरी क्लोज टू नेचर बहुत ज्यादा नेचर में रहना पसंद करते हैं दैट टू मेजर इनका क्या है फॉरेस्ट ठीक है वहां पे ही रहते हैं ठीक है वहां पे ही खाते पीते सो दे ईट ड्रिंक ठीक है वेर एवरीथिंग विच इज क्लोज टू नेचर एंड कोर्स इनका कल्चर भी द कल्चर वी से ओके इट इज वेरी क्लोज टू नेचर राइट right? तो जब हम बड़े हो जाएंगे अगर हम सोशोलॉजी लेते हैं सो व्हाट हैपेंस जब हम ट्राइबल कम्युनिटीज को और डीपर डक करते हैं दे इनके जो कल्चर होता है दैट इज रिलेटेड टू नेचर सो दे हैव टोटम टोटम होता है समथिंग जैसे कि हम uh, कभी कभार आइडल वर्शप करते हैं ना मूर्तियों को सो so इनकी मूर्तियों को बोला जाता है टोटम सो so जो मूर्तियाँ इनकी होती हैं वो सारी बेस्ड होती है एनिमल पे स्पिरिट एनिमल स्पिरिट ठीक है फॉरेस्ट की स्पिरिट बर्ड स्पिरिट दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू नेचर बहुत ही नेचर से पास में रहना पसंद करते हैं और हम लोग डरते क्यों इनसे हम लोग इसलिए डरते हैं बिकॉज और ये लोग भी हम से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते रीजन क्यों रीजन है वाई हम इनसे हमारी इनसे बनती नहीं बिकॉज जो हमारे एंसेस्टर्स हैं जो हमारे पहले प्रेडिस हैं जो हमसे पहले लोग हैं उन्होंने इनके ऊपर कब्जा किया हुआ है दैट इज द रीजन पसंद नहीं करे हम कितने भी अच्छे हो ना और वो भी कितने भी अच्छे हमारी नहीं बन पाती उनसे बिकॉज जो एक बॉन्ड शेयर बन सकता था वो कई पॉसिबिलिटी ही नहीं हुई बिकॉज सबसे पहले इनको लगेगा हम इनको क्या करने आ रहे हैं हम इनको इनके ऊपर हमला करने आ रहे हैं हमें लगेगा ये हमारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं सो देर इज एंड द रीजन इज देर इज नो पर्टिकुलर सेम लैंग्वेज लैंग्वेज भी सेम नहीं है

एक्सेप्टेंस तो फर्स्ट चीज हो गई सेकेंड इन एवरी अगर हम हिस्ट्री में देखें द सो मेनी ट्राइबल पीपल हु उठाया और फेंक दिया नॉट इवन गिवन नॉट इवन गिवन देशन इनको कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया गया सो इन दैट केस तो वहाँ पे क्या होता है जब इसको डिस्प्लेस कर दिया मतलब एक जगह से उठा के फेंक दिया मतलब कोई टेक केयर नहीं किया कि कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे इनका घर ही फॉरेस्ट है रीजन बिंग जहाँ पे रहते थे उसके नीचे सारी आयरन और माइंस थी ठीक है सारी आयरन और से मतलब रिसोर्सेस क्या थे रिसोर्सेस हमने ज्योग्राफी में चैप्टर पढ़ा है रिसोर्सेस देखिये और हमने ये भी पता आयरन ओर अ वेरी इम्पोर्टेंट रिसोर्स हमने जोग्राफी में पढ़ा पहले वॉज कि जहां पे जिन फॉरेस्ट एरियाज में ज्यादा मौजूद थे उन एरियाज के नीचे आयरन और जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट हमें मदर अर्थ ने दिए हैं वो अवेलेबल थे राइट right? इम्पोर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासी एरिया क्योंकि इनको डिस्प्लेस कर दिया गया हटा दिया इनकी जगह से आप सोचो आपके घर पे आप अपने घर में रह रहे हो बहुत अच्छे से बिल्कुल एकदम सॉर्टेड हो आपको कोई इंसान आता उठा के डिस्प्लेस करता है आपका घर तोड़ देता है हाउ वुड यू फील कैसा सैड फीलिंग आएगी राइट right? तो यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा वैसा सो देर इज नॉट वन कम्युनिटी देर सो मैनी कम्युनिटीज जिनको सिर्फ उठाया और साइड कर दिया नॉट गिवन एनी कॉम्बेंसेशन बहुत पहले के भी टाइम की बात है और अब अब की भी टाइम की बात है तो हमें पता है जमशेदपुर लाल बोकारो बिलाई अमंग अदर्स ये सारे एरियाज़ में आयरन और बहुत ज़्यादा अवेलेबल है भर भर के अवेलेबल है तो यहाँ पे जहाँ पे भी फॉरेस्ट एरियाज में जहाँ पे भी ट्राइबल पीपल रहते थे उनको उठा के डिसप्लेस कर दिया ठीक है अब जब आप क्लास टेंथ में जाओगे तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि जब हम अपनी डेवलपमेंट देख रहे होते हैं ना तो हम किसी और का डिस्ट्रक्शन भी कर देते हैं उस टाइम पे बट ये दिस इज अ अमिना ये हुआ है बट दिस इज ऑलवेज नॉट गुड ठीक है हम एक जगह तो देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है डैम्स बढ़ रहे हैं ऑन ऑन द द द कॉज कॉज ऑफ 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 डिस्प्लेसमेंट ट्राइबल पीपल तो ये कितना बड़ा ये क्या इसको हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट हो रही है देश की डेवलपमेंट तो हो रही है बट कुछ लोगों के लिए वो डिस्ट्रक्शन है फॉर सम पीपल इट माइट बी डेवलपमेंट बट फॉर अदर्स इट इज डिस्ट्रक्शन सो डिस्प्लेस किया जाता है डिस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्ट किया जाता है डेलमेंट हो रही है और माइनॉरिटी को आप साइड लाइन कर देते हो माइनॉरिटी की आप सुनते नहीं होना माइनॉरिटी को ऐसे देखते हो कि भाई एग्जिस्ट नहीं करते हैं, so यहां पे, यहां पे हम ये नहीं कह रहे कि माइनॉरिटी की सुनो एटलीस्ट एक्सेप्ट दे राइट बस एक्सेप्ट वे दे आर आदिवासी पर्टिकुलर न्यूमरस इन द स्टेट्स आप पता है कहा ज्यादा मौजूद हैं सो देर आर सम स्टेट जहां पे बहुत ज्यादा और स्पेशली आदिवासी अगर हम बोल रहे हैं तो ये एक कम्युनिटी नहीं है दर सो मेनी अंडर आदिवासीज आल्सो जैसे मैंने बोला हर हर एक कम्युनिटी अपना कल्ट चूज करती है ठीक है हर का अपना टोटम होता है हर आदिवासी का अपना अपना अलग अलग डिफरेंट तरीका होता है तो सर सो मेनी ट्राइबल एक वर्डर पर ट्राइबल के अंदर सो मेनी ब्रांचेस ठीक है तो कहाँ का अवेलेबल है अवेलेबल है छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश ओडिशा गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल एंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश ठीक है देन वी हैव असम मणिपुर मेघालय जो हमारी सेवन सिस्टर्स हैं राइट मिजोरम नागालैंड एंड त्रिपुरा हम डरते हैं इनसे डरने की जरूरत थोड़ी होती है हमें एक्सेप्ट करना होता है हम डरते क्यों हैं इनसे नेक्स्ट अब यही मैं आपको बता रही जो इनकी प्रैक्टिस करने का तरीका होता प्राक्र थे 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 है प्रैक्टिस इन दे प्रैक्टिस विच प्रैक्टिस इज वेरी डिफरेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आर रिलीजन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वी वी प्रैक्टिस ओके सो टॉक अबाउट अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन जब आप बड़े हो गए आप एक और सब्जेक्ट पढ़ोगे सोशोलॉजी के अंदर दैट इज कॉल्ड रिलीजन रिलीजन एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है कि इतना वी हैव यू नो रीच टू द साइंस टेक्नोलॉजी तब भी रिलीजन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है रिलीजन एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है हर किसी हर किसी इंसान के अलग-अलग व्यू पॉइंट होते हैं ये रिलीजन इतना क्यों इतना क्यों महत्व दिया गया है बिकॉज़ देयर सो मेनी थिंग अटैच्ड टू रिलीजन राइट सो रिलीजन बिकम्स अ सब्जेक्ट एक प्रॉपर सब्जेक्ट ही बन जाता है इन इन सोशियोलॉजी सो अगर हम ये बात करें तो ट्राइबल ये होता है टोटम सी दिस इज टोटम ये आपको दिखाना था मैंने ठीक yeah, so so amount of वाइड रेंज ऑफ प्रैक्टिस एंड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम रिलीजन जब हम इस्लाम की बात करते हैं हम हिंदुजम की बात करते हैं क्रिस्टी की बात करते हैं वो हमारे तरीके और इनके तरीके क्या करते हैं नेचर को वर्शिप करते हैं स्पिरिट्स को वर्शिप करते हैं लास्ट असोसिएटेड विद रिजाइडिंग इन वेरियस साइट इन द लैंडस्केप माउंटेन स्पिरिट्स रिवर स्पिरिट्स एनिमल स्पिरिट्स ठीक है सो दे बिलीव इन ऑल दीज स्परिट्स

तो वहां पे क्या होता है ना they, और एकदम बिल्कुल नेचर से चिपके हुए बिलीव इन स्पिरिट्स सोल्स है ना इनको दिख भी जाता है बिकॉज दे प्रैक्टिस दम उसको प्रैक्टिस करते हैं उसको वर्शिप करते हैं ओके okay, तो इसलिए इनको एसोसिएट किया जाता है तांत्रिक से सो so, इनके जो मेजर मेजर रिलीजन आते हैं ठीक है वो आता है ओडिशा ओडिशा इज अ प्लेस और वी कैन से स्टेट जहां पे देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ ट्राइबल पीपल वी कैन फाउंड तो जगन्नाथ कल्ट है एक एंड द अदर वन इज द शक्ति कल्ट एंड द तांत्रिक ट्रेडिशन ठीक है तो ये तीन मेजर मेजर इनके uh, मतलब वी कैन से ट्रेडिशंस कह लो या रिलीजन कह लो जो ये है फॉलो करते हैं एंड जगन्नाथ यू नो ऑल दीज जो हम ये देख रहे हैं कैन बी एसोसिएटेड टू हम हिंदुजम से भी कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट कर सकते हैं so, सो जगन्नाथ जी जो और अगर किसी कोई गया होगा उड़ीसा में सो देर इज दिस मूर्ति ठीक है ये तीन की मूर्ति बोला जाता है कृष्ण जी अपने भाई और बहन के साथ हैं ओके बट लेकिन हम ट्राइबल पीपल के बता ये ट्राइबल पीपल के एक कल्ट बन बना दिए गए हैं ठीक है एंड जब हम शक्ति की बात करते हैं तो हम हिंदुआज़म से भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज शक्ति इज हियर नोन एज लाइक द गॉडेस लाइक द पार्वती ओके okay? तो यह कनेक्ट करने को हम हिंदुआज़म से कनेक्ट कर सकते हैं बट लेकिन बाद में पहले हम ट्राइबल पीपल का ही वर्शप कल्ट देखेंगे यियोर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम जो ट्राइबल पीपल हैं ठीक है उनसे कनेक्शन बनाने के लिए कनेक्ट कर लेते हैं अदरवाइज इसको जगन्नाथ कल्ट ऑफ ओडिशा बोला जाता है ठीक है जगन्नाथ कल्ट ऑफ ओडिशा ओडिशा में ही है ठीक है हमारा मंदिर भी ओडिशा में ही है शक्ति ट्रेडिशन तांत्रिक ट्रेडिशन बेसिकली बंगाल एंड असम ठीक है आई हैव बीन टू असम आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यू नो शक्ति पीट्स आल्सो देर सो बहुत ज्यादा इज कनेक्टेड टू ट्राइबल पीपल बिकॉज वाई दैट सेवन सिस्टर्स वो एरिया ही ऐसा है प्रॉपर ग्रीनरी वाला सो डिपेंड्स ऑन द जोग्राफी एज वेल हाँ अगर हम देखें कि ट्राइबल पीपल का घर ही फॉरेस्ट है तो यहाँ पे जो इनके वर्शिप कल्ट है दैट विल बी नियर ऑफ़ कोर्स फॉरेस्ट ओनली तो इसीलिए जो जगन्नाथ कल्ट ऑफ फॉरेस्ट है शक्ति पीठ जैसे हम हिंदुज़म में बोलते थे शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशंस ये बंगाल और आसाम में दे आर द एरिया जहाँ पे मौजूद हैं बहुत सारे फॉरेस्ट भी Okay. So, some of the जो आइडियल्स देख हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में मंदिर में मस्जिद में है ना नॉट मस्जिद सॉरी इन चर्च ठीक है दे आर नॉट सिमिलर बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंस रहता है ठीक है देन वट वी स्पीक हियर जो लैंग्वेज ही बोलते हैं दैट इज ऑल्सो डिफरेंट लेकिन अब हमने क्या कर लिया हमने थोड़ा कनेक्शन बना लिया इनसे है ना तो हमें इसको ब्रेक 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 करके हम ये बोल देते हैं कि जो इनकी लैंग्वेज को हमें ट्रेस किया दैट कैन बी यू नो कनेक्टेड विद ओल्ड 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 फॉर्म ऑफ संस्कृत ठीक है वो भी हमने कनेक्शन बना लिया एक लैंग्वेज sun, होती है जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स बोलते हैं और बहुत सिग्निफिकेंट बॉडी मानी जाती है ठीक है और इसकी पब्लिकेशंस भी हैं इन द मैगजीन्स ऑन द इंटरनेट यू कैन फाइंड अगर सनथली लिखोगे लैंग्वेज बहुत आसानी से आपको इसके मैगजीन्स और इंटरनेट पर और इंटरनेट पे आसानी से ये लैंग्वेज की ट्रांसलेशन भी मिल जाएगी तो संतली को हम एसोसिएट करते हैं ट्राइबल से आदिवासी से ओके okay? ट्राइबल्स इंग्लिश में एंड इन हिंदी अब हम बात करते हैं आदिवासी के साथ हम क्या टाइपिंग जोड़ देते हैं राइट तो हम क्या जोड़ते हैं कि कैसे कपड़े पहनते हैं ये इनसे हमें डर लगता है है ना इनसे हमें डर वाली फीलिंग आती है वी फियर वो हॉस्टाइल वाली फीलिंग आती है ठीक है ठीक है उसके अलावा हम बोलते हैं ओके एनिमल्स बट जो हमारे एनसेस्टर्स थे या जो स्पेशली इनको देखने गए थे उन्होंने इसको टर्म कर दिया वी हैव नॉट सीन मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा मैं कैसे बोल दू राइट सो दिस इज थिंग विच वी टू

नहीं पसंद आता राइट ऑफकोर्स क्लोज टू नेचर तो उसी को ही oh no, okay? हम बोलते हैं मोस्टली वेपन को वेपन नहीं बोल सकते हम ठीक है वो बेसिकली इट इज फॉर देयर ओन सिक्योरिटी जंगल में रहने कोई भी आ सकता है कोई भी आने बना सकता है तो अपनी सिक्योरिटी के लिए रखते हैं वो एंड जैसे मैंने आपको बताया टोटम तो उनका कल्ट भी हो सकता है वो कल्ट का सॉरी देयर इट कैन बी देयर आइडियल वर्शिप जिसको वर्शिप करते हैं उनका आइडियल भी हो सकता है ओके दिस वर्शिप स्पिरिट्स और एनिमल स्पिरिट माउंटेन स्पिरिट तो उससे रिलेटेड उनका वो आइडियल है आइडल है आइडल राइट तो ये हम नहीं सोचते ना हम सिर्फ बोल देते हैं सो इन दैट केस आदिवासी बहुत ज्यादा होती है स्पेशली हम ये भी बोलते हैं कि हम इनके जैसे नहीं बन सकते वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम यस वी डू आर डिफरेंट फ्रॉम देम यस वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोलता डिफरेंस कैन बी टर्न इन टू द पॉजिटिव वे बाई एक्सेप्टेंस वी हैव नॉट एक्सेप्टेड देम हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं इनको हम बोलते आदिवासी है ट्राइबल है है ना ऐसे बोल देते हैं सो दीज आर सम ऑफ द फील दैट नाउ इज अ टाइम दैट वी कैन ब्रेक दिस ऑल्सो ठीक है नेक्स्ट आता है आदिवासी डेवलपमेंट लाइक आई सेड इट कैन भी डेवलपमेंट फॉर द मेजोरिटी जब हम मेजोरिटी कम्युनिटी की बात करते हैं वेन वी टॉक अपजोरिटी कम्युनिटी बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंड ठीक है ये आपको कुछ कुछ बच्चों का आता हो कुछ बच्चों फिर भी पूछ लेते हैं मैं मेजोरिटी क्या होता है माइनॉरिटी क्या होता है तो मेजोरिटी पीपल न्यूमेरिकली इन लार्जर नंबर और दे आर मोर ठीक है सो इट कैन बी सेट रही है फॉर मेजोरिटी लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ वॉट एट द कॉस्ट दस्ट आदिवासी को ट्राइबल्स को किया किया जा रहा है। को किया जा रहा रहा है है को उनको उनके घर से मतलब बेसिकली बहुत सारे फॉरेस्ट कट डाउन कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ठीक है किसका माइनॉरिटी कम्युनिटी का माइनॉरिटी कम्युनिटी का बिकॉज बहुत सारे लोग मार्जिनलाइज कम्युनिटी बोलेंगे ना अब हम ठीक है मार्जिनलाइज क्योंकि मार्जिन पे हैं मेन स्ट्रीम लोगों के साथ नहीं है राइट right? तो so, आदिवासी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑन टॉप ऑफ दैट वी कैन से इनका इनको डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है ठीक है इनके हाउसेज डिस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं हटाए जा रहे हैं तोड़ दिए जा रहे हैं सो इन दैट केस डेवलपमेंट फॉर वन कैन बी डिस्ट्रक्शन फॉर दी अदर्स ठीक है so, case, others, इन लोगों के लिए अगर डेवलपमेंट हो रहा है ठीक है बड़े बड़े डाम्स बन रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं एम बन रही है टेक्नोलॉजी राइज हो रही है बट इट कैन बी ओनली फॉर मेजोरिटी राइट माइनॉरिटी कम्युनिटी को डिस्प्लेस किया जा रहा है डिस्ट्रॉक्ट किया जा रहा है एज सिंपल एज डैट राइट और हम कहीं ना कहीं ये भी शीरो टाइप बोलते हैं कि ये बैकवर्ड है ना हम ये वाला मैं भूल कैसे गई ऑल राइट सो इनको ये भी बोल दिया जाता है ये एक शीरो है एक लिख लेते हैं कि बैकवर्ड है बैकवर्ड हमें लगता है साइंस, टेक्नोलॉजी सब कुछ आगे बढ़ गया नाउ वी वे गुड क्लोथ वेस्टर्नाइजेशन आ गया है और जो ऐसे क्लोज पहनते हैं तो वो तो बैकवर्ड होते हैं ना जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है फोन नहीं है तो वो बैकवर्ड है सो वी टर्म बैकवर्ड पिछड़े इलाके के हैं हम ऐसे बोल देते हैं है ही नहीं तो बिल्कुल भी हमारे से इनकी वाइब मैच नहीं हो रही बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे तो दीज आर सम ऑफ द स्टीरो टिल नाउ आप किसी से पूछ लेना मतलब किसी अपने दादाजी से या फिर कि ट्राइबल पीपल आदिवासी के बारे में कुछ बताओ तो वो कुछ ना कुछ ऐसा ही आपको बताएंगे राइट नाउ नाउ वट आर वी सींग हम ही देख रहे हैं एक होता है डिसप्लेसमेंट एक होता है इनको हटाया गया है ठीक है और ये फोर्सफुली बहुत बार हुआ है जिसको बोलते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट मतलब जान पूछ के फोर्सफुली इनको हटाया गया है अपने घरों से ओके सो दीज फॉर द पास्ट टू हंड्रेड ईयर्स की अगर हम बात करें

पर्टिकुलर जगह की बात करें इनकी जगह ही अपने आप में एक रिसोर्स है है ना तो रिसोर्सेज जब हमने चैप्टर किया था जोग्राफी में तो हमें पता है रिसोर्सेज एक तो सबसे पहली बात है दे uh, like आर गिफ्ट बाय द बाय द गॉड इज लाइक मदर मदर अर्थ मदर अर्थ ने हमें गिफ्ट दिए हैं बट वही बात है कि हम उनको ओवर यूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे बट वो जो हाउ वो जो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं दे दैट आर होम्स ऑफ सो मेनी पीपल मेजरली आदिवासी अनट्राइबल्स ठीक है तो हम अपनी डेवलपमेंट के लिए वी टेक वी टेक फोर्सफुली क्या ले लेते हैं उनकी जगह ले लेते हैं सो टू माइग्रेट टू लाइज एज वर्कर्स एंड प्लांटेशन सो बेसिकली मोस्ट अभी क्या होता है अभी की अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें The moment they are displaced, first of all, नहीं पता उनको क्या ऐसा नहीं कि एक फॉरेस्ट से निकले चलो दूसरे फॉरेस्ट में चलते हैं वो पहले के जमाने में होता था हंटर्स एंड गैदरर्स, है ना तो पहले वो हंटिंग करते थे एक जगह उन्होंने पर्टिकुलर हंटिंग की गैदर किया उसके बाद वो किसी और फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़े दैट इज देर ओन विश लेकिन यहाँ पे जब जब होते हैं, हैं, उनको जान पूछ के 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 एकदम फोर्स साथ, उठाया जाता है, है? ठीक so ऐसे वो displaced हो जाते हैं, एक जगह घर कहीं और चले जाते हैं दे आर लॉस्ट उनको नहीं पता पैसे कैसे कमाते मनी के बिना नहीं चलता सो so पैसे भी चाहिए खाना खाने के लिए वैसे चाहिए ऐसे तो है कि चलो हंटिंग कर ली तो वी हैव हाँ फूड ठीक है पहले बट नाउ इनको वो काम भी करना है पैसे भी चाहिए एंड देन हाउस भी चाहिए टू लिव इन दे नीड क्लोथ्स आल्सो सो इन दैट केस कहीं ना कहीं वो माइग्रेट होके ठीक है उनकी सिचुएशन कोर्स गेट वर्स ठीक है उनकी सिचुएशन वर्स हो जाती है सो इन दैट केस ठीक है उनको फोर्सफुली काम करना पड़ता है एज प्लांटेशन वर्कर्स ठीक है बंधुआ मजदूर बना लेते हैं उनको ऐसी जो हमारे पॉलिटिकल फोर्स वाले होते हैं ठीक है प्लांटेशन में काम करना पड़ता है कईयों को कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करना पड़ता है कईयों को डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह काम करना पड़ता है ओके सो यर इट इज सेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दे डू नॉट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉरेस्ट टेरिटरीज तो कहीं बार ऐसा हुआ है यही देखा गया पहली बार जब उनको ऐसा फोर्सफुली डिस्प्लेस किया गया दे डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ठीक है पहले वो राजाओं की तरह अपने फॉरेस्ट में राजाओं की तरह रहते हैं है ना रहते थे बट नाउ जस्ट बिकॉज उनको डिस्प्लेस कर दिया गया है उनके पास कोई भी ऑप्शन लेफ्ट नहीं है दे आर ऑन वेरी 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 कहते हैं ना बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी में लेस हो गए उनकी

सो वट हैपन्स सो इसीलिए हमने अब क्या देखा वी सॉ दिचुएशन ऑफ आदिवासी हमने इनको समझा वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दम हम इस कम्युनिटी को समझ पाए हैं थोड़ा सा ठीक है इनके कल्चर समझ पाए हम ये समझते हैं कि हम इनको अलग क्यों सोचते हैं ऐसे सीरो टाइप्स हम समझ पाए हैं तो अगर हम ये चैप्टर ठीक है पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं तो कुछ तो इसका बेनिफिट होना चाहिए राइट तो जब हम पोलिटिकल साइंस में करते तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सुना होगा रिजर्व की जाती है किसके लिए फॉर स्केड्यूल्ड कास्ट ये तो सुना होगा स्केड्यूल कास्ट ठीक है इसको हम बोलते हैं एस और कहीं को बोलते हैं हम स्केड्यूल ट्राइब्स जिनको हम बोलते हैं एस

रिजर्वेशन दिया है सो दे कैन कम एट द पेस ऑफ आर लेवल है ना जो प्रॉब्लम्स अब हम हमेशा बोलते हैं रिजर्वेशन रिजर्वेशन रेजर्वेशन, रेजर्वेशन क्यों बोलते हैं है ना कई लोग बोलते हैं कि मैम रिजर्वेशन के कुछ कम हो जाती है अपॉर्चुनिटीज सो थिंग इज द बेसिक क्यों देते हैं रिजर्व क्यों करते हैं इनकी सीट बुक क्यों कर रिजर्वेशन इज बुकिंग है ना क्यों बुक कर देते हैं इनको बिकॉज दे हैव फेल्ड अ लॉट ऑफ एट्रोसिटीज इन द पास्ट पास्ट में बहुत ज्यादा अट्रोसिटीज फेस की हैं और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में भी ये फेस ना करे सो दैट रिजर्वेशन इज गिवन टू स्केड्यूल ट्राइब्स राइट किसको दी जाती है वी विल राइट स्केड्यूल्ड ट्राइब्स

की गई है right. so, our, apart from, apart from Indian Constitution, हमारे we have done अभी भी क्या है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट, लोकल कोर्ट, तो ये लोग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स क्योंकि वो सिटीजन के लिए बनता है वो पर्टिकुलर ऐसा नहीं वो डिवाइड करते दे आर सीइंग एवरी वन एज ह्यूमन बींगस कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं है डे ठीक है सोने जाते हैं सब खाना खाते है एट द डे वी ऑल आर ह्यूमन बींग मेजोरिटी लोग हैं जो माइनॉरिटी को कर लेते हैं ऐसा बट देन दिस इज दारियालिटी ऑफ लाइफ ठीक है यहाँ पे सबको एज ह्यूमन बींग देखा जाता है ठीक है ये हमने अभी कुछ दिनों पहले एक पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ा है जुडिशरी में ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी इसको बहुत ज्यादा फोकस करके ये अप, ना अपग्रेड किया है इस, इस चीज को वेन आर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बींग मेड ठीक and then of course jo judiciary hai वो भी कीप चेक करती है हमारा जो ऑर्गन है ठीक है ऑफ जुडिशरी वो भी कीप चेक करती है एक आय रखती है कि हर एक सिटीज़न को अपने राइट्स मिले और अगर राइट्स नहीं मिल रहे तो ऑफ़कोर्स जुडिशरी देती है उस चीज़ का हल वो करती है इस चीज़ को, कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द फंडामेंटल राइटलेटेड तो जब सिटीजन की बात आती है उसमें कोई ऐसा नहीं है कोई, कोई बड़ा है कोई छोटा है कोई इधर का कोई उधर का नो एवरी वन इज इक्वल इन आईज ऑफ लॉ हम सब इक्वल हैं। तो रियलिटी में भी सब इक्वल हैं लाइफ में भी सब इक्वल हैं राइट सो इन दैट केस एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट हम हमेशा कोर्ट्स में जा सकते हैं ये क्यों बोल रहे हैं बिकॉज ये हम आदिवासी को मेन स्ट्रीम में कलेक्टिवली बोल रहे हैं ठीक है हम आदिवासी को भी साइलेंट नहीं कर रहे हम मार्जिनाइजेशन के अंदर मार्जिनाइज नहीं कर रहे हम यहाँ से सीख रहे हैं कुछ ओके सो दैट देर फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट हुए तो हम कोर्ट्स में ऑलवेज जा सकते हैं राइट right. अब दूसरी बात आती है स्क्रीन पर ठीक है सो दिस डेटा फर्स्ट हैज बीन गिवन ऑफ़ 2011 अगर हम अपनी एनसीआर दो तो 2011 का डेटा दिया हुआ है है ना तो अगर मैं आपको सेम चीज बोलूं कि ये ऐसे-ऐसे बुक वाई जेड तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा दो और 2011 का डेटा है तो कितना मिसमैच हुआ होगा है mismatch. तो पे सेकंड अगर हम कम्युनिटी ऑन द बेस ऑफ रिलीजन बोला गया है मुस्लिम कम्युनिटी हमने आदिवासी से बड़ा सोशली बिल्कुल सोसाइटी ने उसको बिल्कुल अलग कर दिया बट हियर अगर हम बात करें ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी की ऑफकोर्स रिलीजन इज अ वेरी बिग थिंग एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक भी बन हो सकता है रिलीजन राइट बट जब हम यहाँ पे पर्टिकुलर एन सी आर टी को स्टिक करेंगे तो एन सी आर टन सी आर टी हमारा ये बोल रही है पर्टिकुलर दो हज़ार ग्यारह का डेटा और अगर हम फैक्ट्स देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिप्रिवेशन जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा चीज़ों से डिप्राइव्ड है तो so कहीं ना कहीं आई फील इन टूडे लाइक मैंने ये तो बोला कि फैक्ट्स हो सकते हैं देर कैन बी गैप्स बट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी चेंज बट सारी कंप्लीटली चेंज नहीं हुई है ओके इट माइट हैव ठीक है थोड़ी चीजें बदली होंगी चेंज हुई होगी बट कंप्लीटली एंटायरली चेंज हुई यू दैट इज नॉट द केस ठीक है तो जब हम ये पिक्चर देखते हैं ऑफकोर्स वी कैन सी कि ईद की, की पिक्चर है ओके okay, बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी रिलीजन के लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे से मिल रहे हैं एंड यस वी कैन मुस्लिम है, है right? right? so हाँ पिक्चर में आपको दिखाऊगा तो दिवाली है ठीक है और अगर मैं आपको क्रिसमस की पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा मामी क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा है तो ऐसे मेन मेन जैसे हम इस्लाम है देन वी हैव हिंदुजम एंड क्रिश्चियनिटी तो ये मेजर हैं तो so, ये हमें पता मेकआउट कर सकते हैं विद द पिक्चर्स कि ये मैम कौन सा रिलीजन है ओके सो नाउ व्हाट वी आर सीइंग हियर अब यहाँ पे एक लाइन दी है उसी को ही पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू 2011 थाउजेंड सेंसस हुआ था 2011 का उसमें ये बोला गया था मुस्लिम्स मुस्लिम्स आर फोर्टीन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ये बोला गया था कि मुस्लिम सिर्फ पूरी इंडिया में 14.2 परसेंट ही हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पूरे रिलीजन को बोल रहे हैं कि ये अलग मान रहे हैं हम इसको एक मार्जिनलाइज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज सेंसस के हिसाब से आंकड़ों के हिसाब से ये पूरी पॉपुलेशन को हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी है ठीक है ये पूरी बोल रहे हैं मार्जिनलाइज है पूरे इंडिया में मार्जिनलाइज है क्योंकि वाई दे आर मार्जिनलाइज बिकॉज इन कंपेरिजन टू अदर कम्युनिटीज अगर हम बाकी कम्युनिटीज को कंपेयर करेंगे यस yes, दे आर इन कंपेरिजन अगर हम कम्पेयर करें कोई भी कम्युनिटी तो यही आएगा कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो आ, अलग इसलिए है क्योंकि हम बाकी मेजोरिटी में किसी और कम्युनिटी को देख रहे हैं सच बात है ये ठीक है देन दे है जब हम मेन स्ट्रीम रिलीजन की बात करते हैं ठीक है सो वी आर सीन ए न्यूज पेपर वी आर सीज्म एंड दो वी आर अक्यूलर वी आर अक्यूलरिटी देते हैं किसी को भी डिप्राइव नहीं कर सकते विदिफिट वाई वी आर स्टिंग दिस चैप्टर देखो आंकड़ों में डिफिकल्टी हो सकती है की सेम तो नहीं है टू थाउजेंड इलेवन का कुछ और होगा टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का कुछ और होगा बट what content we are understanding here? that muslims are derived of certain benefits, which is true. okay, ho ho. but content is same. Ki deprived with certain socio-economic development. Uh, when we talk about socio-economic development, it is related to society. it is related to jobs, opportunities. it is related to, you know, culture. It is related to the difference they can feel. It is related to the, uh, the marginalization, the marginalization, and the aspects of marginalization the Muslims can feel. Okay. okay. So, next is Muslim customs and practices are quite distinct from what it is seen in the mainstream. मेन स्ट्रीम ठीक है अब रिसेंटली आई एम नॉट मेकिंग इट कॉन्ट्रोवर्शियल बट यस एक हिजाब का हुआ था एंड यू मस्ट बी नोइंग यस नो में आंसर करेंगे इसको डिबेट नहीं करेंगे ओके okay? तो जिसको पता है कॉमेंट सेक्शन में येस मैम एंड यू कैन राइट वट एवर यू नो अबाउट दैट हिजाब थिंग ठीक है तो यस yes, कहीं ना कहीं जो हमारे कस्टम्स हैं ठीक है मेजर मेजोरिटी वाले एंड एंड इफ यू सी द मुस्लिम इस्लाम सो दे आर डिफरेंट

ट्रीम so में हम देख रहे हैं सो इट इज अस बिकॉज वी आर द न्यू जनरेशन हम लोग न्यू जनरेशन में हैं, हम लोग हैं आप लोग हो तो यहाँ पे हमारा फर्ज बनता है और आपका समझना भी फर्ज बनता है एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स राइट बट हियर सम नॉट ऑल मुस्लिम बुरखा पहनते हैं भाई कहीं नहीं भी पहनते हैं राइट सपोर्ट अ लॉन्ग बियर्ड की जो लॉन्ग बियर्ड में है वो मुस्लिम है क्योंकि नहीं भी होती वेयर अज पहनते हैं एंड दीज बिकम वेस्ट टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम ठीक है

अब कल्चर में डिफरेंस तो होगा ही सेलिब्रेशन में डिफरेंस हो सकता है बट डिफरेंट तो हर इंसान है ना स्टार्टिंग वाली स्लाइड पे आ जाओ डिफरेंट को अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो पॉजिटिव है डिफरेंस को हम एक्सेप्ट ना करें तो वो नेगेटिव है ठीक है मुद्दा घूम के वहीं आ जाता है सो बिकॉज़ ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली क्लोथ अलग पहनने तुमको डिफरेंटली देखा जा रहा है एंड सम पीपल थिंक दैट दे आर नॉट सम पीपल गलत सोचते है कि दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस हमारे जैसे नहीं दिखते तो मतलब अगर हमारे जैसे नहीं दिखते फॉर एग्जाम्पल आई है शॉर्ट था मतलब एग्जाम्पल right ले लो सो so यर हम ये पढ़ जरूर रहे हैं बट इसमें हमें एक लर्निंग लेके जानी है साथ में इसमें हम एक बहुत अच्छा सा लर्निंग आउटकम लेके जाना है डे हम सब ह्यूमन मींग्स हैं कोई छोटा बड़ा नहीं अगर हम अपना ब्लड देखें

इनको इस चीज़ को पर्टिकुलर बोला जाता है घेटो ठीक है अगेन दिस कैन बी इफ़ यू विल टेक सोशियोलॉजी यू विल अंडरस्टैंड दिस घेटोइम ठीक है ये जो घेटोइम है गेटोस क्या होते हैं दीज आर ग्रुप्स और पर्टिकुलर कम्युनिटी जो अपने तरीकों में रहते हैं और बाकी लोगों से डिफरेंट है तो ये घेटोज हैं इवन नॉट ओनली पर्टिकुलर रिलीजन ऑफ मुस्लिम अदर पीपल कैन बिकम घटोज groups basically so social marginalization of Muslims in term in some instance has led to them migrating from one place to another often leading to ghettoization of the community is stuck because people do not accept them people do not you know live with them people ignore them they are they have to leave or a ghettos and right groups ठीक है ऑफ द कम्युनिटी समटाइम दिस प्रेज लीड्स टू हेटेड एंड वायलेंस इसी चीज का डर है बिकॉज इफ यू नॉट टीच यू ठीक है दिस विल इंक्रीज सो दिस हैज टू बी स्टॉप योर राइट योर राइट नाउ कुछ भी कोई सोचता है यहीं पर छोड़ना है ऑल दी उमंग क्लास एट चिल्ड्रेन आप लोग यही लेके जाओगे दैट दिस नीड्स टू गेट स्टॉप हम इस चीज को आगे नहीं लेके जाना है कि वायलेंस है अलग दिखते हैं अलग है अलग मजहब है अलग मजहब है क्या हो गया इसमें है इसमें डिफरेंट रिलीजन

ठीक है खुद जियो दूसरों को जीने दो दैट्स इट बी हैप्पी एंड एट द एंड ऑफ द डे आई ऑलवेज टेल हैप्पीनेस इज वट यू नीड टू हैव एवरी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ बच्चे हो बड़े हो बूढ़े हो जाओगे देन मैरिज कर लोगे उसके बाद बूढ़े हो गए सो वॉट यू नीड टू टेक इन योर लाइफ इज ऑल द हैप्पीनेस ऑल द सेटिस्फैक्शन यू कैन हैव दैट्स इट एंड ये सब चीजें यूर मजहब है एंड देन ये माइनॉरिटी है इसको अलग कर दो दीज थिंग्स वी डू नॉट नीड इन आर लाइफ ओके Chalo. with this let's finish our lecture okay bye-bye children see you next time i hope this most awaited lecture was very nice to you of course we are taking one learning outcome from this that everyone at the end of the day is a human being right all right children bye-bye see you next time thank you so much